पोकेमोन जर्नीज अपकमिंग एपिसोड के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि इस वीडियो में एपिसोड 115, एपिसोड 116, एपिसोड 117 के बारे में बात करेंगे और सरप्राइज कैरेक्टर कौन होगा जो हमारा एज के तुमको चोरी छुपे देख रहा है पता करेंगे हम यार। और सबसे बड़ी बात यार, लेंस के सारे पोकेमोन कंफर्म हो चुके हैं और मेनली चाइजार्ड वाई किसका हो सकता है ये बात भी कंफर्म हो चुकी है। अरे सब चीज़ें बताएगा मैं, टेंशन मत लिया करो ऐसे। और सबसे बड़ी बात, एस और आइरिस दोबारा मिलने वाले हैं और दो बैटल्स जो है वर्ल्ड कॉम्बिनेशन सीरीज के कंफर्म हो चुकी है और उनमें कौन जीतेगा, कौन से पोकेमोन का यूज़ करेंगे वो भी कंफर्म हो चुकी है, मैं बता दूंगा। और सबसे बड़ी बात, ग्रीनजा वापस आ रहा है, ऑलमोस्ट ऑफिशियली वाले बंदे ने कंफर्म किया है, ऑफिशियल न्यूज़ है ग्रीनजा आएगा। अरे अरे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और सबसे बड़ी बात, एस के पास एक नया फेयर टाइप पोकेमोन आने वाला है और एक बैड न्यूज़ भी है। तो सारी न्यूज़ को शुरू करते हैं, बस सब्सक्राइब कर लो प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिसोड 115 के बारे में। ये आने वाला है 17 जून को। टाइटल होने वाला है ओपनिंग द मास्टर्स टूर्नामेंट, द बिगेस्ट टूर्नामेंट इन हिस्ट्री द मास्टर टूर्नामेंट। हमको भी पता है सबसे बिगेस्ट टूर्नामेंट है, कुछ छोटी मोटी लीग नहीं है, जैसे कि इंडियो लीग सबसे बड़ी लीग है। और इसमें आगे लिखा हुआ है, विच डिटरमाइंस द पाइनकल ऑफ पोकेमोन बैटल्स हैज बिगन एंड सैटोशी एंड गो हैव कम टू गला रीजन। कुल मिला के सातोशी और गो को इस टूर्नामेंट के लिए, ओपनिंग सेरेमनी के लिए गला रीजन में जाना पड़ेगा, यानी कि लोकेशन जो है तय हो चुकी है, माइनोर स्टेडियम में इनको जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, सूट स्टेडियम वेयर द बैटल विल टेक प्लेस, देयर सातोशी मीट लियोन्स यंगर ब्रदर होप एंड सडनली बैटल बिगन्स। यानी कि सातोशी जो है यंगर ब्रदर से मिलेगा लियोन के और वहाँ पे बैटल शुरू हो जाएगी। अभी बैटल किसके साथ शुरू होगी आई डोंट हैव एनी आइडिया। क्या ये किसी होप से मुकाबला करेगा या फिर किसी मास्टर के बंदे बंदी से मुकाबला करेगा? आई होप होप वर्सेस एस का मुकाबला होना चाहिए, बिकॉज लियोन की यंगर ब्रदर को भी मजा चकाना पड़ेगा ना, ताकि वो अपने भाई के पास जाके भाई को वार्निंग दे सकता है, एस खत्म बहुत खतरनाक है उससे बच के रहना। यानी कि हमको एस वर्सेस होप का मुकाबला देखने को मिल सकता है। और इसके बाद यार गो डिसाइड करेगा अब तो मैं इसके साथ ही बैटल देखेगा। और जो हमको सीन दिखाया गया था स्पेशल प्रीव्यू में कि गो और होप यार बैटल देख रहे हैं, ओपनिंग सेरेमनी देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वही सीन होने वाला है। यानी कि जो हमको बैटल दिखाए गए, सीन दिखाए गए, वो सारे के सारे इसी एपिसोड का पार्ट होने वाले हैं। मतलब जो पिकाचू जो है मेटाग्रोस से मुकाबला कर रहा था, वो सब के सब एग्जीबिशन बैटल थे, कोई ऑफिशियल बैटल नहीं थे। तो आपके दिमाग में काफ़ी गहरा प्रश्न उठेगा कि यार कौन से पोकेमोन हो सकते हैं, कौन सा बैटल हो सकता है ओपनिंग सेरेमनी के अलावा। तो यार बताता हूँ ना मैं, और जो ऑफिशियल कंफर्म बैटल है वो इस प्रकार होने वाला है, एस वर्सेस लेंस कंफर्म है। लेंस इस्तेमाल करेगा चाइजार्ड वाई का, गैरडोस का, ड्रैगनाइट का। एस किस्म इस्तेमाल करेगा ड्रैगनाइट का, लुकारियो का और ड्रैगोविस का। ड्रैगनाइट को चेंज कर सकता है, ये र्यूमर है बट 99.99% करेक्ट है। और दूसरा मुकाबला होगा सिंथ वर्सेस डियांथा का, जहां पे सिंथिया और डियांथा मुकाबला करेंगे। सिंथिया जीत जाएगी, बिकॉज हमारे सिंथिया किसी फेरी से कम है के, सिंथिया सबको हरा देगी बता रहा हूं मैं। और साथ में मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया, डियांथा फेयर टाइप पोकेमोन का इस्तेमाल करती है और सिंथिया ड्रैगन टाइप का इस्तेमाल करती है, तो लॉजिक के हिसाब से सिंथिया को हारना चाहिए, लेकिन सिंथिया जीत रही है, कोई बात नहीं, क्यूट है, जीता दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मिस्टेक नहीं निकालूंगा। बट कोई नहीं, हमको ये दोनों मुकाबले दिखने वाले हैं। डियांथा के पास होगा केलो सीजन का ग्रास टाइप का फाइनल इवोल्यूशन चेस कोनोट पोकेमोन। पता है गलत नाम ले रहा हूँ, जिंदगी बर्बाद है आई नो, कहने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे ग्रीनजा वापस आ रहा है, ये बात कंफर्म हो चुकी है, बिकॉज जो पोकेमोन के एनिमेटर है, एनिमेट करते हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट किया है जहाँ पे ग्रीनजा हमको दिखाई पड़ रहा है, कुमला के वो हमको हिंट कर रहे हैं, देख भाई ग्रीनजा आएगा जर्नी सीरीज में। और कहीं ना कहीं वो ग्रीनजा तो था ना, नॉर्मल ग्रीनजा नहीं था, वो था बोन्ड ग्रीनजा, यानी कि हमको बोन्ड ग्रीनजा भी दिखने वाला है मास्टर 8 में एलान से मुकाबला करते हुए। बता रहा हूँ ये बदला ऐसे होगा जैसे कि आखिरी होगा, एक कदम बदले में आकर एलान को राख गड़ा कर देगा और कभी भी वो अपने पोकेमोन को दोबारा मेगा इवोल्व नहीं कर पाएगा। तो एलान बच गए ना, बिकॉज हमारा एस कदम काफी पावरफुल है। और साथ में कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई एस के पास अलोलन वल्पिक्स आने वाला है, जो कि वो बोरो करेगा अपनी लिली से, बिकॉज लिली के वल्पिक्स काफी पावरफुल है, वो चाहे तो ड्रैगन टाइप पोकेमोन को एक हिट में हरा सकती है। टाइप एडवांटेज यू नो, यस दैट्स
है कहा जा रहा है कि एज के जो है वर्ल्ड पीस का इस्तेमाल करेगा। अरे रे कैसे कैसे लोग रहते हैं, एज के पास भी फेयर टाइप पोकेमोन है मिस्टर माइम, उसका भी इस्तेमाल करो, वो भी एक तरीके से जर्नी सीरीज का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं एज के मिस्टर माइम का भी इस्तेमाल करेगा वर्ल्ड कॉम्बिनेशन सीरीज में, बिकॉज मोस्ट ऑफ ट्रेनर के पास ड्रैगन टाइप पोकेमोन है और ड्रैगन टाइप को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कमी है फेयर टाइप पोकेमोन की। और जैसे ही एक ऐसे यूज करेगा मिस्टर माइम का, वो डेफिनेटली हरा देगा सभी के सभी मासीट को। लुकारो गया तेल लेने, ड्रैगन हेड गया बाढ़ में, और घेंगार तो है ही बेकार। जोकिंग जोकिंग, बट हाँ अगर वो मिस्टर माइम का इस्तेमाल करता है तो एक ऐसे को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर बात करते हैं एक बैड न्यूज के बारे में, कि कहा जा रहा है कि एपिसोड 116 एंड 117 नहीं आएंगे। टाइटल मैंने लिखा है ना एक्सप्लेन, एपिसोड 115, 116, 117, तो यार 16 और 17 जो एपिसोड होने वाले हैं 100 वाले, वो कैंसिल हो चुके हैं। एक हफ्ते का या फिर दो हफ्ते का ब्रेक आने वाला है, उसके बाद तुमको ये एपिसोड दिखने वाले हैं। ये दुख दर्द पीड़ा खत्म ही नहीं होती है, पर टेंशन नोट, ब्रेक आएगा मतलब एक स्पेशल प्रीव्यू भी इस टाइम गैप के बीच रिलीज होने वाला है। तो कुल मिलाकर बैड न्यूज है कि दोनों एपिसोड नहीं आएंगे, थोड़े समय के बाद आएंगे। अब बात करते हैं कि कौन होने वाला है वो सरप्राइज कैरेक्टर, जो कि एपिसोड 115 में अपना कैमियो रोल देने वाला है टीवी को देखते हुए। जहां तक रही बात टीवी को देखने की, तो कहीं ना कहीं डेजे केचम और प्रोफेसर ओक जो है टीवी में देखने वाले हैं, बट ये सरप्राइज कैरेक्टर नहीं होंगे, बिकॉज हमको ऑलरेडी पता है ये दिखने वाले हैं। और जिसने भी लीक किया है वो इतना पागल तो नहीं है कि उनको पता नहीं है कि प्रीव्यू में हमने इसको देख लिया है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेनर होने वाला है ना डिफरेंट होगा, तो कहा जा रहा है वो मिस्ट्री होने वाली है। और इस बात से मैं एग्री भी करता हूँ, काश मिस्ट्री और ब्रोक दोनों एक साथ बैठकर टीवी पे मैच देख रहे हो। अगर मिस्ट्री नहीं होगी तो मैच तो हो ही सकती है, बिकॉज कहा जा रहा है कि मैच का आना थोड़ा प्रॉब्लम वाला है, बिकॉज मैच के जो वॉइस एक्टर है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर वो मैच का एक कैमियो रोल दे देते हैं विदाउट वॉइस, तो ये हम फैंस के लिए सोने पे सुहागा होगा, बिकॉज मैच का कैमियो रोल देखने को मिल जाएगी जिसको देखकर मजा आ जाएगी। अगर मैच नहीं होगी तो सही ना होगी, जिसका हिंट हमको एपिसोड 105 की एंडिंग में मिला था, जहां पे एक कचम ने सैना से बोला था मुझे सपोर्ट करने जरूर से आना, और मेरी सैना ने बोला था हाँ इस भैया मैं तुम्हें सपोर्ट करने जरूर से आऊंगी। और साथ में अगर ये तीनों नहीं होगी तो एक विलन की एंट्री हो सकती है, बिकॉज जर्नी की एंडिंग सिर्फ और सिर्फ इसके जीतने या हारने तक सीमित नहीं है, कोई बड़ा वर्ल्ड को खत्म करने वाला दहशत मुकाबला होगा, जहां पे एक कचम और सारे मासेट वाले मिलकर मुकाबला करेंगे। तो मे बी चांसेस है कि आज जर्नी की एंडिंग में हमारे सारे हीरोज मुकाबला करें सेक्रेटरी रोज से। और जैसे ही वर्ल्ड कॉम्बिनेशन सीरीज शुरू होगी ओपनिंग सेरेमनी में, हमको सेक्रेटरी रोज का भी कैमियो रोल दिखाया जाएगा, ताकि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है जर्नीज को पूरी वर्ल्ड को तबाह करने के लिए, जो कि अच्छा ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू मी। तो कहीं ना कहीं ये थी सारी की सारी न्यूज, लेकिन अभी भी एक काफी बड़ी न्यूज बाकी है, जिसके अकॉर्डिंग तुमको एपिसोड में एपिसोड 114 में ग्रुप फोटो देखने को मिलेगा, उसमें कौन कौन से पोकेमोन है 100% कंफर्म के साथ मैंने तुम्हें इस वीडियो में बता दिया है, जाके देख लेना। ग्रुप फोटो होगा एक नए पोकेमोन का, ओल्ड पोकेमोन का, और हाँ पोकेमोन के नए गेम से मैंने 50+ हिडन डिटेल्स को फाइंड किया है। अगर ये वीडियो चाहिए तो यार इस वीडियो पे 12K लाइक कर देना, पोके क्विज का आंसर दो। बाय बाय।